हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज मैं बना रही हूँ भरवा चिचिंडा फ्राई। तो भरवा चिचिंडा फ्राई तो बनाना है बहुत ही आसान। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है, इस तरीके से आप भी बनाएंगे ना, तो आप कभी एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आते हैं कि भरवा चिचिंडा के जो मसाले हम लोग स्टफिंग करते हैं, वो स्टफिंग बाहर निकाल आते हैं या फिर चिचिंडा जल जाते हैं, तो ये कोई भी प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना होगा। तो चलिए आज के भरवा चिचिंडा फ्राई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज का चिचिंडा ले लिया है, यानी कि स्नेक गोट। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से धुल लिया है, और क्योंकि मैं छिलका समेत बना रही हूँ तो मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और फिर अच्छे से धुल लिया है। आप चाहे तो छिलका निकाल के भी कट कर सकते हो, लेकिन छिलका समेत बनाने से ना वो देखने में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है, यानी कि एक चिचिंडा को मैंने 4 से 5 टुकड़ों में काट लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़े से लंबे लंबे टुकड़े रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं और मसाला थोड़ा बाहर कम निकलते हैं। अब चिचिंडा के अंदर के जो पार्ट है, यानी कि जहाँ पे बीज रहते हैं, ये वाले पार्ट हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप नाइफ से इस तरीके से काटेंगे ना, तो बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। तो थोड़े से इस साइड से और थोड़े से उस साइड से भी इस तरीके से गोलाई में काटेंगे तो एकदम अंदर से निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से निकल चुके हैं। आप चाहे तो ना इसे स्पून से भी निकाल सकते हो। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पतला वाला स्पून ले लिया है, और स्पून के जो पीछे के साइड है ना, उससे इस तरीके से गोलाई में करना है, तो इससे और भी जल्दी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ से इस तरीके से करेंगे ना, तो एकदम आराम से निकल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे चिचिंडा के अंदर वाले जो पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे एक एक करके। अब एक एक करके सारा चिचिंडा के अंदर से हमने पार्ट निकाल लिया है, ये देख सकते हो आप। तो चलिए, ये जो पार्ट हमने बीच वाले जो पार्ट हमने निकाल लिया है उसे क्या करना है, तो ये देखिए, इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे इस तरीके से, यानी कि इसके जो बीच वाले पार्ट है वो थोड़े से टुकड़ों में हो जाए। ये देखिए, चाहे तो हाथों से आप थोड़े से मसल भी सकते हो। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम तोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो बीज है ये काफ़ी नरम है, तो मैं इस बीज को फेंकूंगी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बीज नहीं पसंद है तो आप इसके जो बीज है आप इन्हें हटा सकते हो, फेंक सकते हो। अब इसमें जाएगा प्याज। तो मैंने 3 बड़ी साइज का प्याज इस तरीके से बारीक काट लिया है। तो ये देखिए, क्योंकि इसी से हम जो स्टफिंग बनाएंगे ना, तो इसी से बनाएंगे, तो चिचिंडा के अंदर काफ़ी जितने जगह है उसे हमें भरना है, तो इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे। कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, गरम होते ही काला जीरा यानी कि मगराइल डाला है आधी छोटी चम्मच। अब इस तेल के अंदर हम डालेंगे सारे प्याज, प्याज को मिक्स्ड करेंगे और थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि हल्का सा ब्राउन हो सके, लेकिन बहुत डीप फ्राई भी नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हो हल्का हल्का सा फ्राई हो चुके हैं। इस प्याज के अंदर जो हमने चिचिंडा के जो बीच वाले भाग हमने निकाल लिया है वो सब अब इस वक्त डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने यहाँ पे 1.5 बड़ी चम्मच ले लिया है अदरक, और साथ में ही लहसुन का पेस्ट ले लिया है आधी छोटी चम्मच। डालेंगे और मिक्स कर देंगे, जिससे ना ये चिचिंडा के जो बीच वाले पार्ट है और अदरक लहसुन है वो भी एक साथ में ही भुन सके। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च। डालूंगी इसमें नमक, तो मैंने स्वादानुसार नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस टाइम हमें फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देना है, जिससे मसाला अच्छे से पके और जले नहीं।
तो मैंने 2 चुटकी भर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी डाल दिया है। अब इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और लगभग 4 मिनट तक लग जाएंगे मसालों को पकने में। तो अब मैं पक चुके हैं, उस वक्त मैं डाल दे रही हूँ नींबू का रस। तो करीब 1 से 1.5 चम्मच जितना मैंने नींबू का रस डाला है। खट्टा अपने स्वाद अनुसार, लेकिन इसमें ज़रा सा खट्टा का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ही सही अब ज़रूर डालें। अब देखिए, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और एक प्लेट में ले लिया है। अब इसे थोड़ा सा नॉर्मल यानी कि थोड़े से ठंडा होने देंगे। अब स्टफिंग थोड़े थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। अब इस स्टफिंग को भरने लायक हो चुके हैं। तो ये देखिए, चम्मच में हम थोड़े से स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से भरेंगे। तो थोड़े से ही हम जैसे ही भरेंगे ना, तो ये देखिए भर चुके हैं एक तरफ से, तो ऊपर से इस तरीके से प्लेन कर देंगे। तो प्लेन कर देंगे तो जल्दी फटाफट निकलेंगे नहीं। तो दूसरी साइड से भी भरेंगे, अगर प्लेन नहीं करते ना तो वो फटाक से इधर से भरते दूसरी साइड से गिर जाते, ऐसा होता। तो इस तरीके से थोड़े से स्पून के पीछे से भी ना हम प्रेस करके भरेंगे, जिससे अंदर से खोखला ना रहे, क्योंकि अंदर से खोखला रह जाएंगे तो थोड़े से लूज टाइप का रहेंगे और कढ़ाई में जाते ही एकदम निकल जाएंगे। तो इस तरीके से सारे चिचिंडा को एक के बाद एक स्टफिंग को हम भर लेंगे। और फ्रेंड्स, लव किचन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नया से नया रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिलते रहे हर रोज। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों तरफ से ही अच्छे से भरे हुए हैं स्टफिंग। अब चलिए फ्राई करना शुरू करेंगे। तो जिस कढ़ाई में स्टफिंग को बनाए थे, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल हमने अच्छे से गरम किया है। अब इसके बाद एक एक करके सारे चिचिंडा के पीस डाल देना है। तो जितना तेल और जगह के हिसाब से, हम बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये देखिए, 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम हल्के से पलट देंगे और हाँ, इस फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे चिचिंडा को पलट देंगे, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। अब देखिए, पलट देने के बाद इसे हम ढक्कन से ढक देंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अब 2 मिनट बाद ज़रूर से चेक करें। अगर पानी चिचिंडा ने छोड़ा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसमें 1/4 कप जितना पानी इसमें डाल के ढक दीजिए, तो एकदम अच्छे से पकेंगे, नहीं तो चिचिंडा के पीसेस जल जाएंगे। तो हमारे चिचिंडा से काफ़ी सारा पानी निकला था, तो इसमें और पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखिए, एकदम अच्छे से पूरा चिचिंडा पक चुके हैं अंदर तक, और मसाला भी अच्छे से फ्राई हुआ है, और इसके जो स्किन हमने हटाया नहीं है ना, तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा और शानदार लग रहे हैं देखने में। अब इसी तरीके से जितना भी बाकी है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ज़रूर से अब ढकने के बाद ना, थोड़ी थोड़ी देर में आप ज़रूर से चेक करिए और थोड़े से पलट भी दीजिए, और अगर जैसे मैंने कहा है पानी ज़रूरत है तो उसे पानी डाल दीजिए। तो आज का हमारा भरवा चिचिंडा फ्राई बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं ये भरवा चिचिंडा। तो आप घर पे ज़रूर बनाएं, खुद खाएं, अपने फैमिली मेम्बर को भी खिलाएं। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से कर लेना सब्सक्राइब, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।